हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। और यहाँ सुबह सुबह चल रहा है वापस हम लोगों का डांस, स्पेशली आध्या का। आध्या कॉपीराइट इश्यू ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे साउंड बंद कर दिया बीच बीच में। और ये आध्या का मम्मी से चिपकने का टाइम। नहीं ठीक है, जाओ जाओ फोन के पास। मम्मा है ना मम्मा। और ये राधा के साथ गिर जाएगा। आध्या उठो चलो। ये कपड़े पहनने का ट्राई करना, कुछ नया सीखिए। मैं भूल गई मशरूम की सब्जी बनाई और आप सबको दिखाना भूल। चलो कलर ही देख लीजिए आप कैसा लग रहा है। ये जो ब्लैक दिख रहा है वो लॉन्ग और काली मिर्च है। चलो आप लोग कोई भी मुझे कभी भी बोलेगा कि आप बना के दिखाओ तो मैं बना के दिखाऊंगी। वैसे हर बार मैं अलग स्टाइल में बनाती हूँ, पर जो भी स्टाइल में बनाऊंगी हर बार दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे कैसे आध्या ने स्ट्रॉबेरी का नाश मार दिया है। स्ट्रॉबेरी खा रही लेकिन खट्टा खांसी उसी नहीं है। अब जो आध्या ने फैलाया था उसको पूछना तो था ही, और ये बहुत एंजॉय भी कर रही है। फिर आ गए शूट के लिए हम लोग, और ये छोटा सा सीन। क्या हाल कर रही है खारी का देखो। शाम को आके चाय पी उसके साथ खारी खाई आध्या ये कर रही है खारी के साथ। नहीं बेटा ये देखो भाई आध्या खारी महंगी आती है यार। हंस के मत दिखा, खारी महंगी आती है। ये दोनों कुछ डांस कर रहे, क्या कर रहे जरा देखिए। और यहाँ थक थक आके मेरा बच्चा सो गया मेरी टांग के ऊपर।
आध्या को ना मुझसे चिपक के सोना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक हर बच्चे को अपनी माँ से चिपक के सोना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी मेरे जैसी एक माँ हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है और क्या आपके बच्चे को भी आध्या की तरह चिपक के सोने की आदत है आपके साथ। और गाइज ये है नेक्स्ट डे की सुबह और आध्या मेरे साथ कर रही है रियाज। उसको हारमोनियम बजाने का बहुत मन कर रहा था तो ये देखिए कैसे ट्राई कर रही है। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है। आज है 21 फरवरी। सो थोड़े रियाज के बाद चलिए चलते हैं शूट पे। और जैसे आप सब जानते हैं लास्ट व्लॉग में देखा था मेरे पैर के साथ हुआ था एक हादसा, तो मुझे भैया लेने आए थे एक्टिव। हाँ शूट हो गया खत्म और आपको फिल्म तो देखने मिल ही जाएगी। तो ये सब हमारे कुछ पात्र हैं, प्यारे बच्चे, छोटी दादी, ये बड़ी दादी, बड़ी दादी का भाई, भाई और शिवलिंग भी है यहाँ पे हमारे साथ। ये रहा दादी का बेटा। यहाँ चल रही है बच्चों की क्लास है ना, तो कैसे करना है दोनों की? अगर एक हंसी आई तो मैं नहीं रखने वाली हूँ तुम लोग। लेने वाली ये बता दे रही हूँ, ठीक है? नहीं, दोनों को सीरियसली करना है। तू निकल, ये मेरा घर है। तेरा घर किधर से हुआ? पेपर दिखा। सच के हक में आ गए। यहाँ पे हो गए डायलॉग चेंज, हमारा हंस हंस के हाल हो गया बुरा। हाँ बस ऐसा वाला चाहिए। चल तू निकल यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी, तू जा। और ये यमी सा लंच बनाया था लेखना जी ने, हम सब ने पेट भर के खाया। अभी हम आधा शूट ख़त्म करके आए हैं, आज के दिन का आधा शूट, और फिर आपको दिखाएंगे हम आगे आगे क्या करते हैं। हमारा जो शूट है अच्छा जा रहा है, अभी बच्चों वाला सीन किया है। शाल जी ने नीतू जी के साथ फोटो डाला। अभी नीतू जी ब्लॉग ही देख रही है, अब ये स्वयं ब्लॉग में आएंगी। अभी ये नाच रही है राधु, प्यारी लग रही है। थैंक यू। इन बच्चों को देख के ना अपना बचपन याद आ गया। हालांकि मेरा भाई तो छोटा था बट बहुत शैतान था वो भी, और ये बच्चे भी बहुत आपस में टांग खिंचाई करते एक दूसरे की। अथर्व भट्ट, महेश भट्ट, अथर्व भट्ट, महेश भट्ट की फिल्म में भी काम किया अथर्व ने, बाल कृष्णा में भी किया, और क्या क्या किया है, क्राइम पेट्रोल किया है, बहुत सारा करा। और हमें सब्सक्राइब भी किया है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट व्लॉग में अथर्व आने वाला है और अथर्व देखेगा वो व्लॉग। सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोबारा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ बोला अथर्व ने। और ये मैडम भी आई है, ये अथर्व की प्यारी सी बहन है, क्या नाम है? अक्षरा। अक्षरा, अक्षरा भाई। और ये प्यारी सी दादी। वेरी सब्सक्राइब करना पड़ेगा वरना फिर मैं वापस नहीं आऊंगी यहाँ पे शूट करने के लिए। ओ प्लीज सब लोग कर लेना, ओके? करना अगर वापस दिखाना है उसको तो।
यस डू कमेंट वेरी नाइस। हमारी टीम है इन बच्चों के साथ पहली बार बच्चे कर रही है। तो ये हुआ आज का दिन का शूट फिनिश और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से सब हुआ। लास्ट का एक सीन बाकी था, वो हमने जाके किया हमारे क्लब हाउस में। वेदी का यहाँ पे मेरे व्लॉग्स के बारे में बात करी, सुनिए उसके मुंह से उसने क्या बोला। मैंने देखा था तीन बच्चे पतंग पे डांस कर रहे हैं। गाइस जब आद्या का दिमाग खराब होता है तो दिस इज हाउ आई हैव टू शूट। देखो फिर भैया घर छोड़ने गए हमें। हाँ चलो मम्मा भी बैठ रही है। हाँ मम्मा भी बैठ गए। हेलो हेलो मम्मा बस एक दिन और रेस्ट कर ले फिर बेबी को लेके चलेगी मम्मा बाहर। ठीक है इस्कॉन टेम्पल जाएंगे हम लोग। इस्कॉन चलेंगे। मैंने आज पूरा दिन शूट किया, अब हम घर आ रहे हैं। घर आ रहे हैं। नूनू बहुत रोई मम्मा के लिए। मम्मा एक टांग पे वजन देके खड़ी है कि फिर दूसरी टांग में चोट है। कौन सा फिरती नहीं आया। हो गया बस आगे घर। मम्मा को पैर में जोर आ रहा है बेटा। मेरा बच्चा बहुत रोया था, बहुत भूख लग गई थी मेरे बेटे को। हाँ बेटा चमक रही है ऊपर नीचे। राधा मौसी ने सेम कपड़े पहना दिए, सेम कपड़े पहना दिए मेरी जान ने जान को। हाय एवरीवन, तो हम शूट से आ चुके हैं। पूरा दिन आज उसमें लग गया मेरा और अच्छा शूट हुआ। काफी लोगों का हमने शूट किया, आपको आगे आगे दिखाते जाएंगे, आगे आगे आपको दिखाएंगे और धीरे धीरे फिल्म जब भी रिलीज होगी आप तक पहुंच जाएगी। और अभी घर पे मेरे आने से पहले कुछ पार्सल्स आए हुए हैं। ये पार्सल्स आए हुए हैं तो इनको खोलना है, वो आपको दिखाते हैं अनबॉक्स करके एक साथ। नहीं धीरे धीरे दिखाएंगे आपको अनबॉक्सिंग। बस थोड़ा ये खेल लें फिर आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है नूनू? हाय, चलिए खोलते हैं ये सारे पार्सल्स। ऐसे तो इससे पहले भी आ चुके हैं पार्सल्स, पर जो आपके सामने आए हैं उन्हीं को खोल देते हैं, यानी इस ब्लॉग में जो आया पहले उनको ही खोल देते हैं। चलिए चलिए पहले ये बॉक्स खोले। राधा कौन सा खोले, ये कौन सा पहले? ये वाला, ये वाला हाथ से दिखाओ। नहीं चला ले अपना आद्या। तब तक आद्या को ये वाले बॉक्स के साथ खेलने देते हैं। आद्या की टी शर्ट कपड़े। शैल आई रिटर्न और नॉट?
चादर के ऊपर कैसी लग रही है? मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा कलर लाइट है। ओ, ओ मुझे लगा ये बच्चों का मास्क है, मैंने आज ज्यादा सोच के मंगाया पर ये बड़ों का आ गया। जबकि ये मिनियंस लिखा है इस पे पर ये बड़ों का मास्क है। ये तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बड़ा आता अच्छा नहीं लगा। आई विल रिटर्न दिस क्योंकि बहुत सस्ता है ये, बहुत सस्ता मिला था मुझे, अच्छा लगा कि ये काफी सस्ता था। इसमें MRP भी 49, सोच सकते हो आप। इतना अच्छा लगा था मुझे ये कि मुझे लगा बच्चों का और कभी भी सस्ता लगा था बच्चों के साइज के हिसाब से। चलो इसको रखते हैं। और ये मैंने एक ब्लैक कलर का मंगवाया था अपने लिए बिकॉज ब्लैक गोज ऑन विद एवरी आउटफिट। और उसमें ना साथ में चेन भी दी है इन लोगों ने। एक पीच कलर का लास्ट टाइम मंगाया था इसी का मैंने, लेकिन उसमें चेन नहीं थी। तो दिस इज गुड, इसमें चेन है तो आप खोलोगे तो छोड़ सकते हो इसको। ओके नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ओके सो दिस इज ट्रैक पैंट रॉयल ब्लू कलर। वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, राधा पीछे से बोल रही है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो मैंने 12 टू 18 मंथ्स के लिए मंगाया, हालांकि आधा 10 मंथ्स की है बट स्टिल कोई नहीं, मोड़ के पहन लेंगे थोड़ा। जैसे हमारी मम्मियां करती थी ना कि थोड़ा बड़ा साइज लेती थी, मुझे तो काफी ही बड़ा लग रहा है, ज्यादा ही बड़ा लग रहा है आध्या के हिसाब से। लेकिन हमारी मम्मी लोग करती थी ना, हमें बचपन में बड़ा पहनाती थी। अब रियलाइज होता है कि हमें भी बड़ा ही पहनाना चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन देखते हैं मैं इसको एक्सचेंज करूंगी कि क्या, बट इट्स वेरी वेरी प्रिटी। चलिए नेक्स्ट बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स तो आध्या छोड़ ही नहीं है, मैं फिर पैकेट ही खोल लेती हूँ, लास्ट में खोलेंगे नहीं तो ये रोने लगेगी। ओके तो इधर भी आया थे आप ही के कपड़े, आप ही का सामान। ओ माई गॉड ब्यूटीफुल ड्रेस, आई स्वेयर इतनी प्यारी है, इतनी सुंदर है, बहुत प्यारी है। इसका फैब्रिक इज वेरी गुड, इट्स सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड एंड कलर इज ऑल्सो गुड। और आध्या के ऊपर तो मतलब आध्या यू लाइक इट ओके चलो तो ये तो एक अच्छी चीज आई है। देन वी हैव दिस, ब्लाउज मंगाया था मैंने कुछ, तो ब्लाउज तो ऑब्वियसली ट्राई करके दिखा नहीं सकते। साड़ी के साथ अगर ये सही आया तो साड़ी के साथ आपको पहन के दिखाऊंगी। ब्लाउज भी मुझे ठीक लग रहा है मुझे फोटो में, जबकि इसका फैब्रिक बहुत ही बेकार लग रहा था, बट एक्चुअली आ गया, अच्छा आ गया। थोड़ा कोटा सिल्क टाइप लग रहा है, लेकिन कोटा सिल्क जो होता है वो और रफ होता है, ये सॉफ्ट है, ये अच्छा है, ये और ये सस्ता भी था, तो लेट मी ट्राई, आता है तो इट्स गुड। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओके इस वाले पैकेट में इतना ही था, लेट्स ओपन दिस पैकेट। ये तो मेरे ओके तो ब्लाउजेस की भरमार है, मैं कुछ रिटर्न करने भी वाली हूँ उसमें से। चलिए आप
तो ये सब ब्लाउजेस थे और ये ओपन करने वाली शूज़। आपको किसी के भी प्राइस जानने हो तो मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी कहाँ से खरीदे और कितने के खरीदे। आपने देखा ही पहले कि आद्या खुद से कपड़े पहनने की कोशिश करती है और ये देखो मेरा ब्लाउज ऊपर से डाल ही लिया उसने आके। ब्लाउज के नीचे जूते आजकल लड़कियां ऐसे ही पहनती बेटा, शादी होती है ना जिनकी, ब्लाउज के नीचे जीन्स पहनती है और नीचे जूते, तो तुम भी वही करो। दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी। ये काफी सस्ते जूते मिले थे मुझे मिंत्रा पे, और मैं ना बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग में विश्वास करती हूँ, मतलब ढूंढती रहती हूँ चीपेस्ट प्रोडक्ट्स, लेकिन जो ब्रांडेड भी हो, तो ब्रांड्स पे कई बार अनअनाउंस्ड सेल लगती है तो आपको पता भी नहीं होता है कई बार, जैसे वर्किंग लोग भी जा रहे हैं, हमारे जैसे वेल लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई कुछ है, बाकी तो पता ही नहीं चलता है लोगों को कि हाँ भाई कुछ सेल वगैरह है, तो उधर से ना आपको ये मिल जाते हैं। आई रियली लाइक दिस, और ये थोड़ा सा साइज तो बड़ा ही है, थोड़ा क्या काफ़ी बड़ा है, लेकिन चल जाएगा ना, चल जाएगा, बड़ा है ओके चलो राधा उधर से बोल रही है ओके तो हम रख लेते हैं। बाकी ये पिंक कलर के शूज तो चली जाने वाले हैं सबके साथ, और ये रेड भी चल जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी शॉपिंग, और आपको मैं बता देती हूँ मैंने नायका से भी शॉपिंग की, और भी मेरे पार्सल्स आने वाले हैं। अगर व्लॉग ऑन होते होते वो मैं दिखा पाई तो मैं दिखा दूंगी। नायका से अभी मैंने शैम्पू और आई लाइनर, ऐसा ये पर्पल वाला आई लाइनर ये जो मैंने लगाया ये अभी नायका से आया आज ही, और एक शुगर का बनाना पाउडर बनाना कॉम्पैक्ट मैंने मंगाया था जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो बस वो ही आया था, और ये और उसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें आती रहती है। मैं आपको कभी कभी YouTube रील्स पे अभी डालना शुरू करूँगी उनके रिव्यूज, तो आप तक पहुँच जाइए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, जय माता दी, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है।